हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है डोर्स एंड विंडो, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे डोर्स। सुपर स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता था? सुपर स्ट्रक्चर जो भी आपके अर्थ सरफेस से ऊपर जितने भी बिल्डिंग के आपको कंपोनेंट्स दिखाई देते थे, जो कि विजिबल होते हैं, वो आपका सारा क्या कहलाता है? सुपर स्ट्रक्चर। तो उसी में आज हम लोग फर्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो आपका टॉपिक है डोर्स। डोर्स का मतलब क्या होता है सबको अच्छे से पता है, ये आपका क्या है? दरवाज़ा, जो कि आप लोग अपने घर में देखते होंगे। डोर्स में भी डिफाइंड एज एन ओपनेबल बैरियर, डोर्स को डिफाइन किया गया है कि ये क्या है? आपका एक ओपनेबल बैरियर है, ठीक है। सिक्योर्ड इन ए वॉल, जो कि वॉल में कैसा है? सिक्योर्ड है, ओपनिंग के लिए ये बनाया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड टू गिव एन एसेस टू इनसाइड ऑफ ए रूम, ये जो आपका दरवाज़ा है ये क्या प्रोवाइड करता है? आपको कहता है कि रूम तक पहुंचाने में ये आपको हेल्प करता है। किसी बिल्डिंग में अगर आपका डोर्स मान लिए यहाँ बना है, तो कहता है इसी के हेल्प से आप, इस दरवाजे के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? अपने रूम तक पहुंच सकते हैं। तो डोर्स जो आपका है, कहता है इसके दो पार्ट में आपका डोर्स जो है बनाया जाता है। पहला है आपका डोर फ्रेम, सेकेंड है आपका डोर शटर। डोर फ्रेम और डोर शटर से आपका पूरा का पूरा डोर्स बनता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि डोर्स का पूरा डायग्राम और इसके सारे कंपोनेंट आपको याद रखने होंगे। इस तरीके का जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको याद रखना होगा और इसके सारे पार्ट को याद रखना होगा। जैसे आपको ये पूरा का पूरा जो भी हॉरिजॉन्टल यहाँ और ये वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा आपका क्या है? एक फ्रेम है। और ये जो बीच वाला पार्ट है आपका पूरा, ये आपका क्या कहलाता है? जो ओपनेबल पार्ट है ये शटर कहलाता है। और ये सारा का सारा जो वर्टिकल और आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये सारा का सारा आपका फ्रेम कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? पैनल लिखा हुआ है। ये वाला आपका क्या है? पैनल है। ये वाला पार्ट आपका क्या है? रेल है। ये स्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका जो हेड का जो आपका पोर्शन है, यहाँ से जो क्या है कि आपका फ्रेम से थोड़ा आगे निकला हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? हॉर्न कहलाता है। तो ये सारा का सारा आपको कंपोनेंट, जो सारा का सारा पार्ट है डोर का, वो सारा का सारा आपको याद रखना होगा। इसके लिए आप कॉपी पे ये दरवाज़ा का डायग्राम बनाएंगे और इसके सारे पार्ट्स को याद रखेंगे। अब हम लोग इसके डिफिनेशन की ओर देखते हैं कि इसका डिफिनेशन में हर एक जो मेंबर है यहाँ पे, उसका डिफिनेशन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। पहले है आपका सील। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, ये क्या है? आपका सील है। ये कहाँ है आपका? ये जो पूरा का पूरा डोर है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, यही तो है आपका सील। उसी को कहा है दिस इज़ द लोवेस्ट और बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ विंडो फ्रेम। ये जो सील है वो क्या है? लोवेस्ट और बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट है किसी भी विंडो फ्रेम का। ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। और कैसा है? दरवाज़ा का निचला हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सील बोलते हैं, जो कि आपको सिर्फ विंडो फ्रेम में दिखाई देगा। ये जो सील होता है, इसको कहता है नॉट प्रोवाइडेड इन डोर फ्रेम्स। अगर आपका दरवाज़ा वाला फ्रेम है, तब उसमें ये सील आपको नहीं मिलेगा। सील को दरवाज़ा में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको विंडोज में ही दिखाई देंगे। फिर है आपका हॉर्न। हॉर्न क्या है? दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ फ्रेम। ये क्या कहा है कि हॉर्न आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है किसका? फ्रेम का। आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका फ्रेम है, यहाँ जो आपका फ्रेम है, इसका देख लीजिए यहाँ पे। इससे जो आपका निकला हुआ यहाँ से पार्ट है हॉरिजॉन्टल जितना, ये सारा पोर्शन आपका क्या कहलाता है? हॉर्न कहलाता है, ठीक है। फिर है आपका रिवेट। रिवेट क्या है?
इट इज़ द डिप्रेशन और रिसेस मेड इन साइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर। बेसिकली हम रिवेट को क्या समझेंगे कि इस तरीके से आप देखिए क्या है, आपका ये डोर है, ठीक है, आपका जो ये डोर है ये कितना आगे कितना पीछे जाएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये स्पेस जिसको कि हम लोग खांचा बोलते हैं, यही वाला आपका क्या कहलाता है, रिवेट कहलाता है, ठीक है। फिर है आपका फ्रेम, शटर, हेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका फ्रेम क्या है। फ्रेम आपका कौन सा पार्ट था, ये सारा पार्ट आपका क्या कहलाता था, फ्रेम कहलाता था। ये देखिए यहाँ से जो वर्टिकल पोर्शन गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। इसी फ्रेम में आपके शटर को क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है। इट इज एन असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर। ये आपका कौन सा मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है, यहाँ आपका ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो फ्रेम आपका क्या है, एक क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर का पार्ट है। फॉर्मिंग एन इनक्लोजर टू विच द शटर आर फिक्स्ड। इसको इस तरीके से बनाया गया या इस तरीके से फॉर्म किया गया जिसमें कि आप क्या करते हैं, शटर को फिक्स कर देते हैं। फिर आपका है शटर, कि आप जो शटर फिक्स किए हैं वो शटर क्या है, तो शटर क्या है आपका, दीज आर द ओपनेबल पार्ट्स ऑफ डोर और विंडो। कहता है किसी भी दरवाजा और खिड़की का जो आपका ओपनेबल पार्ट होगा, खोलने वाला जो पार्ट है, जैसे ये दोनों साइड का, ये आपका क्या कहलाएगा, शटर कहलाएगा, ठीक है। फिर है आपका हेड। हेड आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज द टॉप और अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ फ्रेम। ये फ्रेम का कौन सा पार्ट होता है, हेड, सबसे ऊपर वाला पार्ट। और जस्ट अपोजिट जो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला सबसे बॉटम वाला पार्ट रहता है वो आपका क्या कहलाता था, सिल कहलाता था। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि आपका डोर्स का डायग्राम देख के इसके सारे कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है, इसका डिफिनेशन, ये सब आपको याद रखना होगा। फिर हम लोग देखते हैं बेसिक डिफिनेशन किसका, विंडो का। विंडो आपका क्या होता है, खिड़की होता है। अ विंडो इज आल्सो अ वेंटेड बैरियर सिक्योर्ड इन अ वॉल ओपनिंग। द फंक्शन ऑफ द विंडो इज टू एडमिट लाइट एंड एयर टू द बिल्डिंग एंड टू गिव अ व्यू टू द आउटसाइड। कहता है कि विंडो आपका क्या है, ये भी आपका सिक्योर्ड बैरियर है, वॉल में बनाया जाता है ओपनिंग के लिए। यहाँ देखिए आप इस टाइप से, ये क्या है आपका, विंडो है। ये क्या करता है, विंडो का फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है आपका, कि ये किसी भी बिल्डिंग में क्या करता है, अगर आपका विंडो है तो ये बिल्डिंग के अंदर लाइट को इंटर करवाता है और फ्रेश एयर इंटर करवाता है, और आप क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग से बाहर के व्यू को देख सकते हैं, आउटसाइड व्यू को, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन था कि विंडो आपका क्या वर्क करता है। फिर है विंडो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जिस तरीके से आपने डोर में देखा था कि डोर के पास भी दो पार्ट्स था, दो पार्ट्स मिलके आपका डोर तैयार होता था, तो उसी तरीके से जो विंडो है उसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला है विंडो फ्रेम, सेकेंड है विंडो शटर। ये भी सेम डोर के तरह ही है। अब हम लोगों ने डोर्स का देख लिया कि आपका डोर्स जो है पार्ट्स देख लिए, लेकिन जो डोर्स हैं आपके उसके भी बहुत टाइप हैं। टाइप्स ऑफ डोर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जो डोर के टाइप्स हैं उसको कहता है क्लासिफाइड किए गए उनके बेसिस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट बेसिस है अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। मेथड और मैनर ऑफ कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग ऑपरेशन, किस तरीके से इसका वर्किंग ऑपरेशन हो रहा है उसके मेटल डोर्स के वजह से, ये सब आपके इस बेसिस पे आपका क्या किया गया है, डोर को क्लासिफाइड किया गया उसके टाइप को। अब है लोकेशन ऑफ डोर एंड विंडो। द नंबर ऑफ शुड बी केप्ट मिनिमम। कहता है कि आप डोर्स और विंडो का जो आप लोकेशन रखेंगे उसके लिए कहता है कि आप जो भी डोर्स और विंडोज बनाएंगे उसको कितना रखेंगे, कम से कम रखेंगे।
द लोकेशन ऑफ डोर विंडो शुड मीट फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम। जो लोकेशन होगा डोर और विंडो का, कहता है वो आपके रूम के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करेंगे। द डोर शुड नॉट बी केप्ट इन सेंटर ऑफ द वॉल। अगर आप दरवाज़ा बना रहे हैं तो वो कहता है कि किसी भी वॉल के सेंटर पे नहीं होगा। द विंडो शुड बी लोकेटेड इन अपोजिट वॉल फेसिंग अ डोर और अनदर विंडोज टू अचीव क्रॉस वेंटिलेशन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेश एयर अ विंडो शुड बी लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ ए रूम। कहता है क्या अगर आपको कैसा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, ठीक है, तो आप विंडो जो बनाएंगे वो कहाँ रखेंगे, रूम के नॉर्थ साइड में। जैसे आपका ये आपको पता है नॉर्थ साउथ, तो आपका जो ये उत्तर का दिशा है, ठीक है, इस दिशा में कहता है कि आपको हमेशा विंडो प्रोवाइड करना चाहिए। द सील शुड बी लोकेटेड अबाउट 70-80 सेंटीमीटर अबाउट फ्लोर लेवल ऑफ द रूम। और जो आपका सील होगा विंडो का ये वाला पार्ट, वो कहता है आपका कि ये 70-80 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैटेंड लेज्ड एंड ब्रेस डोर। This is the ledged and battened door to which braces have been added to prevent sagging. These braces must slope upward from the hinge edge of the door and they are housed with a skew notched into the ledges. कहता है इस टाइप का जो आपका वर्टिकल मेंबर दिख रहा है, वर्टिकल जो सारा बोर्ड है, ये आपका क्या कहलाता है, ये सारा आपका लेजेज कहलाता है। और इस टाइप से जो आपका ब्रेसेस दिया हुआ है डोर में, ये आपका लेजेज ब्रेसेस है। इस टाइप के अगर आप डोर के को देखते हैं तो आपको पता चलेगा ये बैटेंड लेज्ड एंड ब्रेस्ड डोर है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें ब्रेसेस को जो प्रोवाइड किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि आपका ये जो वर्टिकल बोर्ड्स है ये क्या करे, सैगिंग ना हो जाए। मतलब जैसे ये इस टाइप से अगर आपका वर्टिकल टाइप का यहाँ पे बोर्ड है तो ये सैगिंग होके ये इस टाइप से हो सकता है। एक सेकेंड, ठीक है, तो आपका जो ये बोर्ड है ये आपका सैगिंग ना दे, इसे बचाने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेसेस को प्रोवाइड किया गया है, किया है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डोर, ये आपका बैटन एंड लेज्ड डोर है। दीज डोर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल बोर्ड्स कॉल्ड बैटन। ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब सारा का सारा ये आपका क्या कहलाता है, बैटन कहलाता है, विच आर नेल्ड और स्क्रू टू द हॉरिजेंटल मेंबर कॉल्ड लेजेज। ऑफ्टेन द बैटन्स आर अबाउट 15-18 सेंटीमीटर वाइड एंड 2-3 सेंटीमीटर थिक। कहता है कि आपका जो ये बैटन्स है ये कैसा होना चाहिए, वाइड में आपका कहता है 2-3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका चौड़ाई कितना है आपका, 2-3 सेंटीमीटर। और डोर मेड विथ नैरो बैटन लाइक दीज हैव अ बेटर अपीयरेंस। आपने जो यहाँ पे बैटन्स जो आपने प्रोवाइड किया है ये इसलिए इतना पतला प्रोवाइड किया है ताकि इसका जो लुक है देखने में वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सके। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट दिस इंक्लूड 4 टाइप्स, बैटन एंड लेज डोर, बैटन लेज्ड एंड ब्रेस डोर, बैटन लेज्ड एंड फ्रेम डोर्स, बैटन लेज्ड ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर्स, फ्रेम एंड पैनल डोर्स आपका इस टाइप्स का है। दीज डोर्स कंसिस्ट ऑफ फ्रेम मेड ऑफ स्टाइल्स, अ टॉप रेल, अ बॉटम रेल। इस टाइप के फ्रेम पैनल डोर में आपका क्या है, यहाँ पे ये वाला आपका क्या कहलाता है, रेल कहलाता है। टॉप वाला को टॉप रेल, बॉटम वाला को बॉटम रेल बोलते हैं। इसमें भी आपका सेम वही पार्ट रहेगा।
ये वाला जो कि सारा का सारा आपका शुरुआत वाले दौर में था। कहता है समटाइम्स एन इंटरमीडिएट रेल इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लाईवुड पैनल। कहता है कभी कभी इस टाइप के डोर में आप क्या करते हैं, फ्रेमवर्क जो करेंगे वो पैनल प्लाईवुड का पैनल का करेंगे, ठीक है। दिस पैनल मे बी फिट इनटू अ ग्रूव और रिवेट। यहाँ पे जो रेल है आपका, ये नीचे वाला पोर्शन दिखलाया गया है और ये टॉप वाला आपका टॉप रेल। फिर है आपका बैटन लेस्ड ब्रेस्ट एंड फ्रेम डोर। ये आपको पता है ये वर्टिकल वाला सारा का सारा आपका क्या कहलाता था, बैटन, ठीक है। और ये वाला जो आपका इस टाइप से दिख रहा था ये सारा का सारा क्या कहलाता था, ब्रेस्ट डोर। तो कहता है सेम एज एवव एक्स्ट्रा ब्रेसेस। ये जो है सेम पहले वाले डोर के तरह है, बस इसमें जो ब्रेसेस आपने प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा कर दिया है। फिर है बैटन लेस्ड एंड फ्रेम डोर्स। इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बैटन एंड लेस डोर विथ प्रोविजन ऑफ फ्रेम टू वर्टिकल मेंबर नॉन एज स्टाइल्स आर प्रोवाइड। ये वाला जो आपका बैटन लेस एंड फ्रेम डोर है, ये कहता है कि आपका जो बैटन और लेस डोर था उसी का ये क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है। उसी को क्या किया, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसमें आपके दो वर्टिकल मेंबर्स है यहाँ पे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है आपका लेवर्ड डोर्स। लेवर्ड डोर्स आपका इस टाइप का होगा। दीज परमिट्स फ्री वेंटिलेशन थ्रू देम एंड द सेम टाइम्स मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द रूम। ये जो आपका लेवर्ड डोर्स है ये क्या करता है, आपका प्राइवेसी के रूम में प्राइवेसी के लिए यूज होता है। फिर है आपका फ्लश डोर। द फ्लश डोर विथ अ फ्रेम्ड कोर इज अ टाइप ऑफ डोर That we frequently make in rural building. This door consists of frame which has style, top, bottom rails and narrow intermediate rails. इसमें क्या क्या है आपके डोर्स में, स्टाइल्स भी है, टॉप एंड बॉटम रेल्स भी प्रोवाइड होगा और इसमें एक इंटरमीडिएट रेल्स भी होगा। इट इज कवर्ड ऑन ईच साइड बाई सीट ऑफ प्लाईवुड। ये वाले जो फ्लश डोर है ये क्या चीज़ का है, आपका प्लाईवुड का सीट से जो है कवर किया जाता है, ठीक है। डोर्स कैन नॉट बी यूज वेयर दे विल बी एक्सपोज टू रेन एंड सन। लेकिन आप जो फ्लश डोर है ये आपका क्या चीज़ है, प्लाईवुड का जो पतला सा प्लाईवुड से इसको क्या किया गया है, कवर किया गया है। ये वाला डोर आपका कहता है फ्लश डोर का, आप वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं जहाँ कि आपका मतलब धूप आ सके और बरसात का पानी आ सके। आप वैसे जगह पे आप ये फ्लश डोर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर है ग्लेज्ड और सेस डोर। दीज आर प्रोवाइड वेयर द विजिबिलिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द रूम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें हम लोग क्या किए हैं, अलग से यहाँ पे आपने क्या किया है, ग्लास को भी सेट कर दिया है इसी डोर में, ग्लास को हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, ग्लेज्ड डोर्स कहलाता है। ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, रूम जब आपको क्या करना है, कहता है कि वेयर द विजिबिलिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द रूम इज रिक्वायर्ड। जब आपको क्या है, रूम के अंदर का विजिबल जो है आपको देखना है, तब आपको क्या है इस टाइप का डोर्स जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है आपका वायर गेज्ड डोर। वायर गेज डोर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ये जो आपका डोर है, दरवाज़ा है, यहाँ पे जो आपको ये सब जो हल्का हल्का जो यहाँ पे दिख रहा है पार्ट, ये आपका क्या चीज़ से फिक्स है, वायर से फिक्स है, जो कि क्या करता है, आपका वायर गेज और फ्लाई रूफ डोर शटर्स आर फिक्स टू प्रोवाइड फ्री एयर सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्लाइज इंसेक्ट इट्स एक्स्ट्रा फ्रॉम इंटरिंग इन टू द बिल्डिंग। इस टाइप वाले डोर्स आपका क्या करता है, आपका मच्छर से कीड़े मकोड़े को रूम तक बिल्डिंग के अंदर आने से क्या करता है, रोकता है। तो ये आपका कौन सा डोर है, ये आपका हो गया वायर गेज्ड डोर। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्विंग डोर्स। रिवॉल्विंग डोर्स बेसिकली ये एक एंट्री और एग्जिट के लिए बनाया जाता है, जो कि आपको मॉल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे,
दीज आर प्रोवाइडेड ओनली एट पब्लिक पैलेस टू प्रोवाइड एंट्रेंस टू वन एंड एग्जिट टू द अदर पर्सन। ये डोर्स को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर एक आदमी इधर से इंटर कर रहा है तो सेकेंड वाला जो आपको इधर वाला पार्ट दिख रहा होगा इधर से वो एग्जिट भी कर सकता है। तो ये जो है पब्लिक पैलेस पे बनाया जाता है इस टाइप का डोर्स। फिर है आपका स्लाइडिंग डोर्स, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको ये डोर क्या है, आपका स्लाइड प्रोसेस से ओपन हो रहा है और स्लाइड प्रोसेस से ही आपका यहाँ पे ये बंद भी हो सकता है। अ स्लाइडिंग डोर इज अ टाइप ऑफ डोर। स्लाइडिंग डोर भी आपका क्या है, एक डोर का टाइप है। ओपेंस हॉरिजॉन्टली बाय स्लाइडिंग, जो क्या होता है कि आपका इसको स्लाइडिंग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली वे में ओपन होगा। वेयर बाय द डोर इज आइदर माउंटेड ऑन ए सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्रैक। फिर है आपका स्विंग डोर। स्विंग डोर आपका कैसा डोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के डोर्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये डोर्स आपका स्विंग डोर कहलाएगा। अ डोर दैट स्विंग्स ऑन ए डबल हिंज ओपन्स इन आइदर डायरेक्शन। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें कैसा हिंज है, डबल हिंज दिखाई देगा आपको इस टाइप के डोर्स में। फिर है आपका कोलेप्जिबल स्टील डोर्स। स्टील डोर बेसिकली सभी ने आपने इस टाइप के डोर्स को देखा, इसी का आपका टेक्निकल टर्म आपका डोर्स का दिया गया है कोलेप्जिबल स्टील डोर्स। ओके, मेनली प्रोवाइडेड इन गोडाउन्स वर्कशॉप पब्लिक विंडो एंड इट एक्स्ट्रा। इस टाइप के डोर्स को कहता है आप कहाँ देखेंगे या ज़्यादातर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो गोदाम में, वर्कशॉप में और पब्लिक विंडोज में। ठीक है, आपका ये कोलेप्जिबल स्टील डोर्स को प्रोवाइड किया जाता है। फिर है आपका रोलिंग स्टील शटर डोर। आप लोगों ने देखा होगा शटर वाला कि ये कैसा होता है कि हम लोग जो है रोलर शटर, रोलर डोर और सेक्शनल ओवरहेड डोर इज टाइप ऑफ डोर और विंडो शटर कंसिस्ट ऑफ मेनी हॉरिजॉन्टल स्लैट हिंज टुगेदर। द डोर इज राइज्ड टू ओपन इट एंड लोअर टू द क्लोज इट। यहाँ पे जो आपका ये क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से शटर को जब ऊपर उठाते हैं यहाँ पे ये कैसा देता है, सेफ रोल हो जाता है, रोल डोर हो जाता है। ये क्या करता है, जब आप इसको ऊपर राइज करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा इस टाइप का डोर, और जब इसी जो आपका यहाँ पे दिख रहा है इसको नीचे करते हैं तो ये आपका क्या कहता है कि डोर आपका क्लोज हो जाएगा। ऑन लार्ज डोर्स द एक्शन मे बी मोटराइज्ड, कहता है कि ये आप रोलिंग स्टील शटर डोर्स को वहाँ प्रोवाइड करेंगे जब आपको दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाना है। द इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइंड एंड रेन। ये क्या करता है, आपको बरसात और हवा से क्या करता है, बचा के रखता है। तो ये आपका हो गया रोलिंग स्टील शटर डोर्स। नेक्स्ट है आपका माइल्ड स्टील डोर। इस टाइप का डोर्स आपको कहीं दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं ये आपका किस टाइप का डोर्स है। माइल्ड स्टील सीट डोर मेनली प्रोवाइडेड इन गोदान, कहता है माइल्ड स्टील सीट को हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे या कहाँ देते हैं, गोदान में, वर्कशॉप में, वर्कशॉप में, पब्लिक विंडोज में। इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है आपका कोरुगेटेड स्टील डोर्स। एग्जैक्टली सेम एज द एवव टाइप एक्सेप्ट द कोरुगेटेड स्टील सीट आर वेल्डेड टू शटर फ्रेम इंस्टीड ऑफ MI सीट। कहता है कि इस टाइप का जो आपका डोर्स है वो सेम जो है एग्जैक्टली जो हमने ऊपर जो डोर्स पढ़े हैं सारे के सारे वैसे ही डोर्स हैं, बट यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो डोर्स आपका बना है ये क्या चीज़ से बना है, MI सीट से बना है। ओके, फिर है आपका हॉलो मेटल डोर्स। आपको यहाँ पे वुड का दिखाई दे रहा होगा कि आपका किससे बना है, लकड़ी से बना हुआ है, जो कि अपीयरेंस में मतलब देखने में बहुत ही अच्छा होता है और ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। अपीयरेंस एज वुडन डोर बट हैव मोर स्ट्रेंथ। ओके, फिर है आपका मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। दीज आर कंपोजिट डोर्स ऑफ प्लाईवुड एंड माइल्ड स्टील एंड आर रीजनेबली फायर प्रूफ। कहता है मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर आपका देखिए इस टाइप का होगा,
बताइए आपका कंपोजिट डोर है किसका किसका? ये दो टाइप के डोर से मिलके बना है, एक दो टाइप के डोर्स है इसमें, एक तो प्लाईवुड है दूसरा माइल्ड स्टील, दोनों को यूज करके आपका इस डोर्स को तैयार किया गया है जो कि फायर प्रूफ होता है। ठीक है, तो आपका जो है आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोगों ने डोर्स पढ़ लिए, डोर्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए जिसमें कि ऊपर वाला पार्ट आपका क्या कहलाता था, हेड, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाता था, सिल। और इसका जो इस फ्रेम वर्टिकल पोर्शन को हम लोग फ्रेम बोलते थे, और आपका ये जो निकला हुआ कुछ पोर्शन दोनों साइड से बच जाता था फ्रेम का, ये आपका क्या कहलाता था, यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग हॉर्न बोलते थे। ये आपका हेड हो गया, ये वाला पार्ट आपका HORN हॉर्न कहलाता था, ये वाला नीचे वाला लोवेस्ट पोर्शन आपका सिल, और ये जो आपका वर्टिकल पोर्शन है ये आपका फ्रेम, और बीच में जो आप शटर प्रोवाइड करते हैं जो कि इस फ्रेम में फिक्स रहता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता था, शटर कहलाता था। तो इसी टाइप से आप डोर का पूरा डायग्राम को कॉपी पे लिख के और इसके पार्ट्स को याद करेंगे, फिर सील क्या होती है, विंडो हेड क्या होती है, फ्रेम क्या है, शटर क्या है, इसके डिफिनेशंस को आपको देखना होगा और सारे के सारे डोर्स को अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी तरह विंडोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।